नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। समुद्र की लहरें देखकर मन मचल उठता है उसमें छलांग मारने के लिए, लेकिन इंसान अपने अरमानों पर तब काबू पा लेता है जब उसे याद आता है कि तैरना तो आता ही नहीं। लेकिन ऊपर वाले ने उन लोगों का भी बंदोबस्त किया है जो तैरना चाहते हैं, लहरों के साथ खेलना चाहते हैं, और वो भी बिना लाइफ जैकेट के। जी हाँ, यहाँ कुछ ऐसा है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये जगह अब पर्यटकों के फेवरेट स्पॉट बन चुकी है। डेड सी और अरबी झील के नाम से मशहूर जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मौजूद ये जगह मृत सागर के नाम से मशहूर है। जी हाँ, इसे डेड सी और अरबी झील के नाम से जाना जाता है। बताना चाहेंगे कि मृत सागर समुद्र तल से लगभग 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है, जिसकी लंबाई तकरीबन 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। मृत सागर का पानी दुनिया के दूसरे जल स्रोतों से कहीं ज्यादा खारा है। जी हाँ, इसके पानी में क्षारीय मात्रा दूसरे समुद्र से लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा है। इस समुद्र की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि इसका माना अपने खारे पानी की वजह से कहीं ज़्यादा भारी है। इस कारण इसका पानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। इस वजह से ये सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इस सागर में किसी भी इंसान का डूबना असंभव है। अपनी इन्हीं अद्भुत खूबियों के चलते हमेशा से ही ये सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सैलानी इसके अद्भुत नज़ारों को देखने और इसकी खासियत से रूबरू होने जाते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो आपके लिए ये होगी कि जब आप जानेंगे कि यहाँ वो इंसान भी आसानी से तैर सकता है जो तैरना भी नहीं जानता। लोग यहाँ आते हैं और इस समुन्द्र में आसानी से लेटकर पिकनिक मनाते हैं। यकीन नहीं होता, इसकी तस्वीरें देख लीजिए। अगर फिर यकीन ना हो तो YouTube पर डेड सी लिखते हैं, कई वीडियो इस बात का प्रमाण देने के लिए आपके सामने होंगे। जी हाँ, आपके दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आएगा और लोग यूं ही समुन्द्र के पानी में बिना हाथ पैर चलाए तैरते मिलेंगे। बताते चलें कि इस खासियत के चलते 2007 में इसका नाम विश्व के 7 अजूबों की लिस्ट के लिए चयनित किया गया था, लेकिन उस समय इसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई, वरना आप आज इसे भी दुनिया के 7 अजूबों के रूप में जान रहे होते। समुद्री जीव और पौधों के लिए जानलेवा समुद्र के पानी में खनिज लवण जैसे ब्रोमाइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर आदि अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के कारण से इसका पानी ना तो पीने लायक रहता है और ना ही इसमें पाया जाने वाला नमक प्रयोग के लायक होता है। इसका पानी इतना खारा होता है कि इसमें कोई भी मछली या अन्य जलीय जीव जिंदा नहीं रह पाता। जलीय पौधों का इसमें पनप पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और शैवाल पाए जाते हैं। इस सागर के पास किसी जलीय जीव या पेड़ पौधे का पनप पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।